तो भोले भंडारी, आज दिनांक 11 जून 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये हमारा दूसरा वीडियो है। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी सभी महान आत्माओं को, सभी आत्माओं को, सभी प्राणियों को नमन करता हूँ। दोस्तों, जो भी मेरी वीडियोज को देखते हैं वे जानते हैं कि मैं मेरी YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर देववाणी कार्यक्रम के तहत कुछ बोलता रहता हूँ और उसको मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भगवान के मैसेज हैं जो दुनिया को बताने के लिए दिए गए हैं। इसी बारे में यह प्रोग्राम चलता रहता है। अभी आज अभी मुझे एक मैसेज, डिवाइन मैसेज मिला है, उसे देने के लिए बोला है। दोस्तों, मैं सबका भला भला चाहता हूँ, मेरा किसी से द्रोह नहीं है और मैंने जीवन को जैसा मैं समझता हूँ बड़े नज़दीक से देखा है और परमात्मा को भी मुझे ऐसा लगता है। इसलिए देश दुनिया की भलाई के लिए मैं इस कार्यक्रम में ये वीडियो देते जाता हूँ। पता नहीं सर का क्या प्लानिंग है। अभी अभी मुझे एक मैसेज मिला है, वह राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के बारे में है। परमात्मा ने कहा है कि आप आज ये मैसेज दो, क्या कि श्री भजनलाल शर्मा वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान अपना पद छोड़ दें या कम से कम इस देववाणी का भी विश्वास नहीं करें, इसको नहीं जानते हों तो पद छोड़ने के लिए तैयार रहें। क्यों? परमात्मा ने बोला है कि भारत में काम करती हुई एटीएम जैसी ब्राह्मण मशीन से बड़े बड़े प्रोडक्ट निकलते हैं, बड़े बड़े अफसर, नेता, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े आइडिया, उनमें से ही एक ये भजनलाल शर्मा जी हैं। ये पहली बार एमएलए बने, इनका कोई नाम भी नहीं था, ये कोई किसी लाइन में धुरंधर भी नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण मशीन से निकले हुए प्रोडक्ट हैं। इसलिए अब बहुत से प्रोडक्ट या अफसर, नेता जो भी हैं जिन पर ब्राह्मण मशीन की विशेष कृपा हुई है, उनको वापस पूर्ण रूप में ही जाना पड़ेगा। आज परमात्मा ने बोला कि आप इनको बोलिए कि ये स्टेप डाउन करें या इसके लिए कम से कम तैयार रहें। मैंने कहा सर ठीक है, बोल देता हूँ, बल्कि आप देख लो। इसलिए दोस्तों, मैंने तो अपना एक ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, किसी को कोई मेरे इन लेखन से, बोलने से दिक्कत हो, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को भी टम्बल डाउन करना नहीं, मैं होता ही क्या हूँ, लेकिन कौन जाने ये ईश्वरीय संदेश हो और इसी में, इसमें ही सबका भला हो जो ये संदेश मुझे भेजे जाते हैं, जो मैंने हज़ारों वीडियोज में अब तक बोल रखे हैं और जिस चीज़ का हिंट मैंने दिया है। परमात्मा का कोई विशेष प्रोग्राम, प्लानिंग, स्ट्रेटजी
भारत में इस देश दुनिया में काम कर रही हो और उसकी यह झलक हो, वानगी हो, जो मैं बोल रहा हूँ कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो ऐसा लगता है। आज का यही दूसरा छोटा सा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब भले रहें, सब सुखी रहें, मेरे देश के लोग सब मौज करें, देश दुनिया के सभी लोग मौज करें, मेरी इच्छा है और ये मेरी प्लानिंग भी है, मेरा जीवन उद्देश्य है भी है कि सभी को इस दुनिया में सुखी बनाया जाए। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।